हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने हेरिडिटी के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा था। हेरिडिटी क्या है और हेरिडिटी से रिलेटेड कई कुछ जानकारियां हमने समझी थी। इस टॉपिक में हेरिडिटी को और अच्छे से समझेंगे और उसके साथ ही इवोल्यूशन क्या है, स्पीसीज में ये कैसे होता है, हेरिडिटी का इवोल्यूशन में क्या रोल है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन और इंटरेस्ट के साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। जहाँ तक पॉसिबल है, टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट हो, हम आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। कई कैरेक्टर्स जनरेशन में कॉमन दिखते हैं। पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स में कई सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वो हाइट हो सकती है, इट कैन बी स्किन कलर और कलर ऑफ हेयर्स एक्सेट्रा। हेरिडिटी में मेन रोल होता है जीन्स का। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, उसके सर्वाइवल नीड्स, बॉडी मैकेनिज्म्स, डिफेंस हैबिट्स, इन जैसी सारी चीजें, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ये सब जीन्स डिसाइड करते हैं। द सेगमेंट ऑफ DNA विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड ए जीन। प्रोटीन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। And to synthesize these protein molecules, proteins need information. Proteins को चाहिए genetic information, जिस basis पर वह अपने आप को form करेंगे। और इस information को store करने वाला है DNA. DNA के अंदर यह सारी information store होती है। Gene इसी DNA का एक part होता है। Segment of DNA which is going to participate in synthesis of that particular protein is gene. इसे हम आने वाले videos में और detail में समझने वाले हैं। हेरिडिटी साइंस का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज होता है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड स्पेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में हेरिडिटी साइंस का यूज किया जाता है। लंबे समय से कई सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। जॉन ग्रेगर मेंडेल इज पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। 1886 के अराउंड इनके एक्सपेरिमेंट्स हेरिडिटी के ऊपर चल रहे थे, लेकिन कंक्लूजन्स तक पहुंचने में इन्हें लंबा समय देना पड़ा। In 1901, reasons behind the sudden changes were understood due to the mutation theory of Hugo de Vries. Meanwhile, in 1902, scientist Walton and Sutton grasshopper के cells के ऊपर study कर रहे थे और उन्होंने observe किया कि grasshopper के cells के अंदर paired chromosomes present है। फिर research के बाद ये पता चला कि genes are carried via chromosomes. Chromosomes इन genes को carry करते हैं। फिर 1944 में ऑस्वाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कोलिन मैकलियोड, इन्होंने प्रूव किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इन 1961 टू साइंटिस्ट जैकॉब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ DNA इन बैक्टीरियल सेल्स, जिससे DNA के अंदर छिपी जेनेटिक कोड्स की इंफॉर्मेशन बाहर आई। Thereby, the technique of recombinant DNA technology was emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering.